किससे थोड़ा पे कोई कोई बात कहाँ फोटोग्राफ हाँ हाँ कोई काम हो जाएगा ना जी 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 मतलब मशीन चलाने वाले हैं ना यार जी जी अभी स्किल स्किल लोग हैं मैं इनका कांटेक्ट करवा दूँगा मिस्त्री से भी हाँ तो वो सारा इनको समझाएगा वीडियो वीडियो भेज देंगे पूरी पूरी की इसे ज़्यादा हैवी नहीं तकनीक आपके हाथ लगाइए थ्री टू वन गो इधर आइए इसको इसको हाथ लगाइए आपको देंगे ये भी आपकी एसेट है उधर देखिए अभी पुराना जी मशीन राइट राइट सर कितना टाइम लगता है पल्प निकलने में इसमें डाल के हम इसको इसी साइड में लेके इसमें से ये नेट उतार के उसमें प्रेस करते हैं सर उस टाइम पे दो लोगों को प्रेस करके हम निकाल के फिर उसमें डालते हैं सर प्रेस करने के लिए कटिंग का काम तभी शुरू होता है वहाँ डालने से पहले नहीं अभी और आगे अच्छा फिनिश प्रोडक्ट ओके और फिनिश प्रोडक्ट का सैंपल उधर है अच्छा अच्छा ये भी है इससे बड़ा है वो भी हो जाएगा और वेस्ट पेपर का यूज करते हैं सबसे बड़ी बात आप लोगों का किस किस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है किसको सप्लाई करना आपके पास ऑर्डर आता है हमारा ऑर्डर आता है सर अभी तो हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का वो फाइल गवर्नमेंट का फाइल बना रहे हैं वो फाइल दिखाएंगे इधर साहब हाँ सर ये फिर करके फिर इसको कटिंग के अब यहाँ के आने के बाद में ये क्या करते हैं इसका भेजते हैं जैसे उन्होंने बताया ये जो मार्केट में है उनको भेजते हैं कटिंग के लिए एक तो पैसे लेता है प्लस तो इनका लेबर भी जाता है तो वो इन दोनों से हमारा इनका सेव हो जाएगा और एक के पूरे प्रोसेस खत्म करने के लिए कंप्लीट करने के लिए कितने लोग एक साथ काम में लगे रहते हैं हर मशीन पे एक एक बंदा रहता है या और ये टेक्नोलॉजी आपको कहाँ से मिला अपना खुद का कुछ है या कहीं बाहर का टेक्नोलॉजी कुछ नहीं मिला हाँ वही मैं जाना चाहता हूँ तो आपको क्या करना है इससे मुझे लगता है कि आसपास के जो अनएम्प्लॉयड लोग जी सर उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इस तरह के और सारे आपका तो नेचुरल यहाँ पर इतना सब कुछ है खुशी होती है देख के आप लोग सब नेचुरल चीज़ें ही बनाते हैं और ट्रेनिंग में तो लोग भी एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को और बच्चों का भी दिल बहल जाएगा यहाँ पर जो काम करें कितने बच्चे कुल मिला अभी हमारा ये सारे भी इसमें मतलब पेपर के अलावा और भी वेस्टमेंट कपड़े वगैरह जाते हैं कपड़े करीब कॉटन कपड़ा और डिस्पोजेबल है मतलब ये हां ये जो पॉली मटेरियल का कुछ नहीं हो सकता यहां
पॉलिथीन यहाँ तो पॉलिथीन है ही नहीं वैसे तो पॉलिथीन खत्म हो गया। तो हमारे बच्चों में किसी का घाट काट देते थे वो मुश्किल हो जाए। एक तो हमारा पेपर साइज बड़ा है काटने में बहुत ही इसमें रिस्क कम हो जाएगा टाइम भी बचेगा बहुत सर। तो हम हमारे पास मशीन है तो हम उधर पेंटिंग प्रेस के साथ पास लेके जा रहे बहुत बढ़िया। वहाँ पे हफ्ता भर वहाँ पे पड़े जाता था टाइम नहीं मिलता था अंकल जी को काम और आगे अच्छी तेजी से बढ़ता रहेगा। वेरी गुड गुड और ये सर ये भी जो इनका प्रोडक्ट है दैट इज आल्सो फ्रॉम वेस्ट। ये जो कपड़ा ना ये टेलर है जो वेस्ट बचता है उसका उससे बनाया गया ये सारी चीज। कोरोना का टाइम मास्क वास्क बंद था इधर हमारा भी बैंक में एक है आरसीटी बोलते हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमारा बैंक का 43 आरसीटी है पूरे भारत में। वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं वहाँ पर एक एक आरसीटी में एक एक डायरेक्टर रहते हैं उनको सिलाई कढ़ाई कुछ कंज्यूमर आइटम बनाने का सब ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर उनको क्रेडिट लिंकेज किया जाता है मतलब मान लीजिए यहाँ कोई ट्रेनिंग देने आया वो अपना कुछ छोटा सा कुछ करना चाहता है 50,000 रुपया चाहिए उसको तो उसको क्रेडिट भी ब्रांच में जाके क्रेडिट लिंकेज इसको बोलते हैं तो देन उनका काम आगे बढ़ता रहेगा। हमारा तो यहाँ आरसीटी नहीं है चंडीगढ़ में कोई आरसीटी वाला होगा देखिए उसके साथ हम लिंकेज अगर कर पाएंगे। नमस्कार वक्त जबकि विंटर का पीक से अभी स्टार्ट होने वाला है आप लोग महाराष्ट्र बॉम्बे से यहाँ तशरीफ आए जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। सर पागीर 2007 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था और ये मोस्टली डिफरेंटली एबल लोगों का एक संस्था है जो खासकर हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका रिसाइकल करके हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा एक रिसाइकल यूनिट चल रहा है जिसमें हमें एक प्रॉब्लम हो रहा था कि कटिंग मशीन का हमारे पास मैन्युअली हम स्केल से एक एक पेपर काटते थे ब्लेड के ज़रिए जिसमें कभी बार बच्चों का इंजरी भी आ जाता था। लेकिन आपने जो योगदान जो सहयोग हमें दिया है ये जो कटर मशीन ला के इससे हमारा बहुत सब बड़ा कठिनाई दूर हो गया है। हम एक बार फिर आपके आभारी हैं कि आपने हमें ये योगदान दिया है और इसके थ्रू हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा ये काम बहुत आसान हो जाएगा और हम और भी अपने बच्चों को इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट का मौका मिल सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी बैंक ऑफ इंडिया हमें इसी तरह का सहयोग देता रहेगा ताकि हम जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर अमंग द डिफरेंटली एबल्ड पीपल में उसको भी हम खत्म करेंगे। एक बार हम फिर आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। हमने कहीं जहाँ पे कोशिश किया था कि इस मशीन को हमें कहीं से स्पॉन्सर मिले कई महीनों से हम तय कर रहा था कि कितने मिलेंगे कहीं से बस तो हमें नहीं जल्दी आपके बैंक की तरफ से सर जी और हमारे क्या नाम कुंजाम जी ने मेरे को फ़ोन आया था मैं उधर आपके ऑफिस में पहुंच गया था एकदम मतलब आपने एकदम हमारे कर करके सर जी उधर चंडीगढ़ पहुंच गए। अगले दिन मेरे को वीडियो कॉल आ रहा था मैं यकीन नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे इतनी जल्दी हमारा रिक्वेस्ट को स्वीकार करके हमें आज हम कल शाम को हमारा मशीन यहाँ पे पहुंच गया। तो निधन ले और हमारे भाई का है जल्दी इधर देर रात तक वेट करना पड़ा तो सभी ने हमारे लिए इतनी मेहनत की थी। सर जी आपके पूरे बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ और पूरे फैमिली को हमारे पगी के
पूरे फैमिली की तरफ से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। समय की कमी थी, हम लोग चाहते थे कैसे हम लोगों के रहते हुए यहाँ पर ये काम, ऐसे तो संगीता भी दे सकती थी लेकिन हम लोग चाहते थे, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ऐसी एक संस्था है, 115 साल कंप्लीट हुआ पिछले सितंबर को, अभी हम लोग 116वीं साल में हैं। और आप लोगों शायद मालूम ना हो, इस बैंक का जो टैगलाइन है उसका नाम है रिश्तों की जमा पूंजी। मतलब केवल बैंकिंग नहीं, बैंकिंग के अलावा लोगों के साथ रिश्ते बनाना, इसीलिए शुरू से इस बैंक की एक प्रथा रही है कि सामाजिक जो समस्याएं हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में हो या देश के क्लाइमेट में हो या जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो हर जगह होता है लेकिन एक किताब मैंने पढ़ी थी द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए हम सबको एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। ग्रेटा थॉर्नटन आप देख बच्ची, वो वर्ल्ड लेवल पे क्लाइमेट समिट को एड्रेस कर रही थी, हमारे प्रधानमंत्री भी जाके वहाँ पर अपनी अगुवाई की है। इंडिया में आबादी इतनी है, 135 करोड़ की आबादी, वहाँ पर ये सब चीज़ एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है। गांधी जी का नारा था स्वच्छ भारत बहुत पहले का, लेकिन हम केवल क्लीनलीनेस के ऊपर जाते थे, कैसे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको कैसे सस्टेनेबल बनाए, ये एक ऐसी उदाहरण है जो पागीर ने कर दिखाया है। कुछ सालों में बहुत कुछ समस्याओं को झेलना पड़ा है आप लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। मैंने आज पूछ रहा था किसी और बैंक ने इसकी तरफ हम आपकी तरफ हाथ बढ़ाया नहीं, मुझे बोला गया कि बहुत सारे बैंकों को रिक्वेस्ट की गई है लेकिन आपका जो NRI UK बेस्ड जो सपोर्ट सिस्टम है वो केवल चालू है। बैंक ऑफ इंडिया इस मामले में पहला बैंक है, और जबकि हमारी यहाँ पर उपस्थिति नहीं थी, हमारे यहाँ पर उपस्थिति पिछले 48 घंटे में हुई है, जब परसों हमने अपना पहला ब्रांच का इनॉग्रेशन किया। GH रोड में हमारा जो पहला ब्रांच, हम मेन मार्केट में नहीं रखें और यहाँ से काफ़ी नज़दीक भी है। मेरी बात आप करेंगे और हम सब की जो जज्बा एक ही है, जब हम कोई पद में रहते हैं ये एक ऊपर वाला की दी हुई हमारे ऊपर देन है। आप भगवान को, अल्लाह कहो, महात्मा बुद्ध कहो, जो भी कोई है, ये हमको एक पावर दिया गया है। इस पावर का कैसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड है, और आप लोग जो इस काम में हाथ बटा रहे हो, और न जाने कितने लोगों की भविष्य बन रहा है यहाँ पर, कितने लोगों की। टेक्नोलॉजी बदल रहा है, पैसे की तंगी है, लेकिन उसी के बीच आप लोग कहीं कहीं से थोड़ा सपोर्ट मिला है। इसको मैं डोनेशन नहीं मानता हूँ, इसको हमारा इकोसिस्टम में बैंक ऑफ इंडिया की भागीदारी मानता हूँ मैं। वी आर नाउ को ओनर्स, हम भी मालिक हैं यहाँ के, आपके साथ सब मिलके हम लोग यहाँ पर काम चलाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़, आज सुबह मैं तो व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी प्रसन्नता है, जब हम शुरू शुरू में सोचे थे क्या करेंगे, लेह में ऐसी एक जगह है वहाँ पर आबादी बहुत कम है, पूरे यूनियन टेरिटरी में आबादी बहुत कम है, हालांकि करीब 82 बैंक ब्रांचेस यहाँ पर है, यहाँ का लोकल जम्मू एंड कश्मीर बैंक को मिला के, जिनमें से करीब 50 ब्रांचेस रूरल ब्रांच है। पूरे बैंकिंग सिस्टम का यहाँ पर डिपॉजिट 6000 करोड़ का है और एडवांसेस 2000 करोड़ का है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है नहीं, कल हम लोग वही बात कर रहे थे कैसे उन एक्टिविटीज़ में हम लोग साथ दें लोगों का, एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस में हो, आपका मेडिसिन प्लांट के ऊपर हो, या कोई स्टार्टअप हो, हैंडीक्राफ्ट हो। ये जो आपने काम किया है इसमें, दिस इज़ नॉट ए प्रॉफिटेबल वेंचर, आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज आपका मेन काम है हाउ टू रिस्टोर प्राइड, पर्सनल प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर दोज हु आर स्पेशली एबल्ड। माफ़ी भी चाहते हैं कि आपको तकलीफ दी हमने सुबह इकट्ठा होने के लिए सर्दी के अंदर, लेकिन
कहते हैं ना कि कोई जब मेहनत होती है किसी काम में तो उसका फल ज़्यादा अच्छा होता है, तो यह एक अच्छा प्रोग्राम के रूप में ये निकल के आया। हमारे एमडी साहब ने आपको बताया कि बैंक ऑफ इंडिया का एक दस्तूर रहा है कि समाज के काम समाज के साथ कैसे जुड़ा जाए, और पहला ये हमारा लेब में पहली ब्रांच ओपन करने के साथ साथ हमने यहाँ ये काम शुरू किया, जबकि हमारा कोई बेस नहीं था पुराना, हमारे कोई पुराने ग्राहक नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी उस परंपरा को चालू रखते हुए और ये कार्य जो दिया है। मैं इस मौके पे मैं आपको ये और विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी ये काम और अगर आपकी किसी कोई ज़रूरत होगी तो उसमें भी हम और आगे शरीक होंगे, शामिल होंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। आपको ये मशीन आपके लिए अच्छा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के साधन दे। सबसे ज़्यादा तो इस ये बात इस खुशी की है कि ये मशीन जो आपको इतनी बहुत शायद एक टन का मशीन है, और मेरे ख्याल से लास्ट में 15 तारीख को आया था यहाँ, 16 को 15 जब इसकी इनसे मुलाकात हुई थी, इन्होंने मशीन की बात की, और आज 23 तारीख को ये मशीन वहाँ से चंडीगढ़ से रवाना होकर यहाँ पहुँच गई है। तो अच्छा सोचते तो अच्छा होता है और आगे भी अच्छा होता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जैन साहब, हमारे जीएम साहब सब कुछ कह चुके हैं, ज़्यादा नहीं कहना है, बस मेरा एक ही है, जिस मकसद के लिए है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। जब प्रेसिडेंट साहब ने उन्होंने एक चीज़ बोली जिस साहब भी उसको कवर कर चुके हैं, मैंने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हम काटते हैं मैन्युअली कई लोगों की उंगलियां कट जाती हैं, तो मुझे लगा फिर आपके लिए बेस्ट है, मशीन होनी चाहिए। फिर उन्होंने मैंने बताया कोई है, तो इन्होंने एक दिल्ली वाले वेंडर से बात करी थी सर, मैंने भी दिल्ली वाले वेंडर से बात की, तो उसने जो मशीन का रेट बताया 80,000। फिर मैंने बात की, मैंने कहा यार आप 80,000 बता रहे हो, कहता सर ये तो पुरानी मशीन है, बस मैं उसको डेंटिंग पेंटिंग करके भेजूंगा। मैंने कहा हमें ऐसा नहीं करना यार। तो फिर मैंने उससे कॉस्ट पूछा था, कहता 170। मैंने कहा हम एक ऐसी संस्था को दे रहे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को दे रही, तो वो कह रहा 1,60,000। देन अमृतसर में हमारे इसके मैन्युफैक्चरिंग होती है सर, देन मैं उनके पास गया और बहुत अच्छी मशीन है ये, उनका बड़ा नाम है, मैं आपका सारा कॉन्टैक्ट भी कराऊंगा उनसे। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, जैसा हमारे साहब ने बोला है कि आप इससे और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, साथ जो आप सबसे बड़ा पर्यावरण के लिए वेस्ट का यूज़ करके करें, ताकि उसमें और ज़्यादा योगदान आप करेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपका नाम भी बताने एंड सॉरी सीईओ और मैनेजर से को मेरे दादा पते बहुत नमस्ते और जुले 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 आप लोगों ने इन्हें जल्दी में सामान लाया, इसीलिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। उसके बाद ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों में इस पार्टी में डोनेशन ने दिया पूरे लद्दाख की वेस्ट मिटी सफाई करने के लिए आपने प्रोडक्ट दिया, उसके लद्दाख के 50% वेस्ट मिटीरियल यंग आएगा, रिकवर होगा आपके वजह से। आपने अभी बोला बाद में भी मदद करेंगे, थैंक यू सो मच। आपका पहले बैंक ऑफ इंडिया बन खोने जा रहे, आई विश अच्छा हो, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग चले, अच्छा बहुत आदमी आए आपका बैंक में, बहुत अच्छा। आपने पहले भी कहीं में दिया आपका जो अच्छा करेगा आपको फल भी अच्छा मिलेगा। पहले तो आपको धन्यवाद, हमारे पूरे जो सहयोग किया हमारे एमडी एनसीओ सर जिन्होंने एक ही बार में इस चीज को बिल्कुल वो कर दिया, हमारे जीएम सर जो पहले भी एक बार आपसे आके मिले और इन्होंने हर चीज को बारीकी से समझ के इस सहयोग में अपनी भूमिका अदा की, हमारे जेडम सर जो कि एकदम जैसे ही पता चला वैसे लग गए, जुट गए,
कि यह मशीन आप तक पहुंचानी है और कितनी जल्दी पहुंच सकती है इसके लिए प्रयासरत रहे। इसके लिए हमारी टीम की जो जाहिद सर, पुनीत सर, हमारे नामग्याल जी और अभी जो यहाँ है नहीं जिन्होंने स्टार्ट किया इस चीज़ को, हमारे जो मैनेजर मैम है वांगमो, उनके हस्बैंड कुंजोंग जो यहाँ के लोकल है, उन्होंने हमें बताया कि रियल में यहाँ वर्क होता है ऐसा और हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप लोगों के सहयोग के लिए आगे काम आएगा, आपकी तरक्की के लिए काम आएगा। तो सभी साथियों का दिल से शुक्रिया, आप सबका दिल से शुक्रिया सभी के लिए, कि वो है कि आप आगे बढ़े, आपके ये जो साथी हैं सब काम सीख के इस मशीन से उससे प्रोडक्शन बढ़ाए, आपकी इनकम बढ़े और आप सभी का सहयोग करते रहे। इसी तरीके से धन्यवाद। तो मैं ना मेरे को आप नंबर पर शेयर करूं, मुझे एक लेदर का रबर का या फिर फिक्स मिल गया। थैंक यू।